कराची से खबर दें, एक हफ्ते से लापता कस्टम्स अफसरान को FIA ने गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया है। तारिक महमूद और यावर अब्बास को इस्लामाबाद जाते हुए गिरफ्तार कर लिया गया था। आपको इस हवाले से आगाह कर रहे हैं, एक हफ्ते से लापता कस्टम्स अफसरान को FIA ने गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया है। तारिक महमूद और यावर अब्बास को इस्लामाबाद जाते हुए गिरफ्तार किया गया है। दोनों अफसरान को कस्टम्स में मेगा करप्शन स्कैंडल के तहत गिरफ्तार किया गया। इसी हवाले से बात करेंगे, जावेद असगर चौधरी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। जावेद असगर चौधरी बताएगा इससे मुताल्लिक क्या मजीद तफसीलात सामने आ रही हैं। 7 जुलाई से लापता कस्टम अफसरान को FIA ने इस्लामाबाद फरार होते हुए कराची एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया है। तारिक महमूद और यावर अब्बास के कब्जे से 54 लाख रुपए, 2500 अमेरिकी डॉलर और UAE के 6100 दिरहम भी बरामद हुए। दोनों अफसरान को कस्टम में मेगा करप्शन स्कैंडल के तहत गिरफ्तार किया गया है। गैर मामूली करप्शन में पाकिस्तान कस्टम के दीगर अफसरान में मुलविस है। मुल्जमान के खिलाफ FIA एंटी करप्शन सर्कल में बाकायदा मुकदमा दर्ज कर दिया गया, जबकि जराये का यह कहना है कि मुल्जमान मुख्तलिफ कस्टम अफसरान के साथ मिलकर मुख्तलिफ कस्टम चेक पोस्टों से स्मगलिंग के एवज सहूलत देने के एवज माफिया की मद में करोड़ों रुपए वसूल करते थे और कस्टम चेक पोस्टों से माना की बुनियाद पर 40 से 60 रुपये वसूल किए जाते रहे हैं। और जराये का यह कहना है कि मुल्जमान के मुताबिक मुतअद्दिद कस्टम अफसरान उनके साथ मुलाकात शामिल है, जिसमें सतह से 18 सतह के अफसरान भी शामिल है। जी ठीक है, बेहद शुक्रिया आपका डिटेल्स फराहम करने के लिए।